मैं तो घूमगी पूरी स्वाति पकड़ जाती ऐसे कैसे कर जाएंगे मैं मिलूं बकरी एक में चढ़ने की वीडियो में अपनी भी बना लो पसीने नहीं पड़े अब वो कर लो चलो इतनी गर्मी हो रही है चलो करवाएं इफेक्ट मिलेगी देख आराम से आज मैं बना रही हूँ लंच में कढ़ी चावल और कढ़ी चावल बनाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने कढ़ी में सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं पहले से और अभी इसको तड़का नहीं लगाया है। इसमें मेथी जीरा सौंफ और गरम मसाला धनिया पाउडर नमक हल्दी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और उसके इसके बनने के बाद जब ये अच्छे से बन जाएगी उसके बाद मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं इसमें तड़का कैसे लगाती हूँ कढ़ी में। मैं करूँगी तड़के के लिए करी पत्ते का यूज़। मेरा करी पत्ता यहाँ पर ये है मैं इसी का यूज़ करती हूँ और पहले ये बिल्कुल सूख गया था लेकिन बारिश होने से ये अच्छा हो गया दोबारा से हरा भरा हो गया है। तो मैं इसकी दो डंडियों का मैं यूज़ करूँगी इनका और अब मैं लगाऊँगी कढ़ी में अपनी में तड़का। कढ़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है अब मैं तड़के के लिए ये चीज़ मैंने रेडी करके रखी हुई है और मैं देसी घी में लगाऊंगी इसमें तड़का। मैं लगाऊंगी तड़का देसी घी में। पैन में मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच देसी घी डाला है अब इसमें मैं ऐड करूंगी सरसों साबुत लाल मिर्च और ये हींग थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर लंच मेरा बनकर हो गया रेडी। मैंने बनाई है दाल चावल और ये सारी चीज़ें अब बनाऊंगी मैं थोड़ी सी रोटी चार रोटी बनाऊंगी क्योंकि हम लोग रोटी खाएंगे मैं और ये मैंने बनाई है बच्चों के लिए कढ़ी और चावल आज लंच में।